हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए। और एंटरटेनमेंट तो है ही आपको, नए नए जो है खबरें देने के लिए। ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ कुछ खास स्टारों की, या मैं ये कहूँ जिन्हें स्टार प्लस से पहचान मिली है। स्टार प्लस पे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, तो क्या स्टार प्लस उन्हें दोबारा अपने चैनल पर लाने की तैयारी कर रहा है, या फैंस डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें स्टार प्लस पर ही लाया जाए। मैं सबसे पहले बात करूंगी हर्षद चोपड़ा की, फैमान खान की, सुंबुल तौकीन खान की और प्रणाली राठौड़ की, जिनके शो अभी भी आप जो हैं टीवी पर देख रहे हैं, जैसे इमली, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोनों ही कहीं ना कहीं शो में काम कर चुके हैं, यानी कि दोनों जोड़ियां हर्षाली और सुमान। ऐसे में जो हैं दोनों की जोड़ियां हिट लिस्ट में रही हैं, दोनों फैंस की चाहत में रहे हैं और दोनों ने ही भरपूर टीआरपी निकाल कर दी है प्रोडक्शन को, और एट दिस टाइम उनके वही शो रनिंग में भी हैं। तो ऐसे में अब उसमें नई जनरेशन देखी जा रही है, तो क्या स्टार प्लस को लग रहा है कि जो इस शो में पहले जनरेशन ने काम किया उन्हें अपने ही चैनल पे नए शो में लाना चाहिए? तो ऐसे में खबर निकल कर आई है कि जो नए शो आ रहे हैं उनमें चैनल ने डिमांड की है कि जो लीप से पहले रनिंग शो में काम कर चुके हैं, अच्छी टीआरपी दे चुके हैं, अच्छी सोशल मीडिया में इमेज बना चुके हैं, उन्हें एक बार रेफ़र कीजिए, मैं भी वो नए शो में आने के लिए तैयार होंगे। अब नए शो किसके आ रहे हैं? राजन साही का भी आने वाला है, एकता कपूर का भी आने वाला है, और आपके गुल खान का तो कलर पर आ रहा है, और एक दो प्रोडक्शन के और हैं जिनके शो आने वाले हैं। तो क्या उनमें ये सितारे नज़र आ सकते हैं, क्योंकि स्टार प्लस की डिमांड है। ऐसे में फैमान खान को अप्रोच कर लिया गया है स्टार प्लस के शो के लिए, जिसकी शूटिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है। बात आती है आपकी सुंबुल की, तो सुंबुल इन दिनों जो है काव्या शो में काम कर रही है, तो उनका थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब कोई रनिंग शो में होता है वो छोड़कर तो आएगा नहीं। अगर हाँ कॉफ़ी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट नज़र आया तो मे भी अपना फ्यूचर देखेगा। फिर आती हैं आपकी प्रणाली राठौर एंड हर्षद चोपड़ा, तो ये दोनों क्या एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि एट दिस टाइम ये दोनों किसी भी प्रोजेक्ट पर नज़र नहीं आ रहे हैं। उम्मीद है कि स्टार प्लस के बेस्ट प्रोडक्शन में जो है ज़रूर जुड़ेंगे। वैसे भी हर्षद चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में कह दिया है कि जो है मैं जल्दी से कोई शो लेता नहीं हूँ, और जब लेता हूँ तो मेरे ऊपर टीआरपी का प्रेशर बहुत होता है, और मैं जो है एकदम लगातार काम नहीं करता हूँ। तो हो सकता है वो थोड़ा ब्रेक लें, लेकिन बसती है प्रणाली राठौर। प्रणाली राठौर को अगर स्टार प्लस के किसी भी प्रोडक्शन पे हायर किया जाएगा तो यकीनन प्रणाली राठौर हाँ कर देंगी, क्योंकि एट दिस टाइम सुनने में आया है कि उन्होंने काफ़ी फ़ोटोशूट कराए हैं। अब फ़ोटोशूट तभी कराए जाते हैं कि अपने नए प्रोजेक्ट के लिए इंसान रेडी हो रहा है। तो ऐसे में क्या स्टार प्लस को भी लगा कि ये चेहरे वाकई ही मेरे शो के काफ़ी ज़्यादा तारीफ लायक है, या मेरे चैनल के काफ़ी लायक है? तो क्या स्टार प्लस इन्हें अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।